नमस्कार और आप देख रहे हैं WWE न्यूज हिंदी चैनल। रेसलमेनिया जैसे बड़े ग्रैंड स्टेज पर छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे रेसलमेनिया में हुई गलतियों की, जो कोई ज़्यादा छोटी गलतियां नहीं थी। तो नंबर एक पर है अंडरटेकर द्वारा जॉन सीना को मारा गया बिग बूट। ये एक बहुत बड़ी गलती थी जो आसानी से कैमरे में कैद हो गई। अगर आप इसको देखोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि जॉन सीना को किक लगी ही नहीं थी। अंडरटेकर का पैर उनसे करीब 1.5 फीट दूर था और जॉन सीना ऐसे ही गिर गए। दूसरी गलती रोंडा राउजी और स्टेफनी मैकमैन के बीच फाइट में देखने को मिली। मैच के एंडिंग में ध्यान से देखोगे तो आपको 2-3 गलतियां नजर आएगी, जिसे लगता है कि इन दोनों को थोड़ी और ट्रेनिंग की जरूरत है। तीसरी गलती माइकल कॉल ने कमेंट्री करते टाइम की। लगभग हर बार शो में कमेंट्री में गलती तो होती रहती है, लेकिन माइकल कॉल ने रेसलमेनिया 34 में कमेंट्री के दौरान कहा कि एलेक्सा ब्लिस ने रॉ वुमेंस चैंपियनशिप को रेसलमेनिया 22 में जीता था। मजे की बात तो यह है कि रेसलमेनिया 22 2006 में हुआ था। उस समय एलेक्सा ब्लिस की उम्र 14 साल थी और उस वक्त रॉ वुमेंस चैंपियनशिप होती ही नहीं थी। इस शो में एक बड़ी गलती ब्रॉक लेसनर से भी हुई। रिंग के बाहर लेसनर ने रोमन के ऊपर बेली टू बेली सुप्लेक्स का इस्तेमाल किया और यह मूव गलत लगा था। इसमें रोमन करीब करीब गर्दन के बल गिरे थे और यह मूव थोड़ी और गलत लगती तो उनकी गर्दन टूट सकती थी। और आखिरी गलती तो आपने पकड़ी ही होगी, जो WWE ग्राफिक्स द्वारा हुई। आप सभी को पता होगा कि एज स्टाइल्स WWE हैवी वेट चैंपियन है, लेकिन जब उन्होंने एंट्री की तो उनके नाम के ऊपर यूनिवर्सल चैंपियनशिप लिख दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन कौन सी गलती पहले से ही पता थी। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।